नरेंद्र मोदी सरकार को आज 9 साल तो लगभग पूरे हो ही गए हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट किया। उनकी सरकार ने हर फैसला लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया है, ये उनका कहना था। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि विकसित भारत बनाने के लिए वो और भी ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे। केंद्र में सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने 1 महीने तक देश में जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला किया है। पार्टी ने 30 मई से 30 जून के बीच पूरे देश में लगभग 50 रैलियां करने की योजना बनाई है और इन रैलियों में आधा दर्जन से ज़्यादा रैलियों को प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। वो 31 मई यानी कि कल अजमेर में होंगे जहां वो रैली को संबोधित करेंगे। मणिपुर भी आज दिन भर सुर्खियों में छाया रहा। हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए मिशन पर निकले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजनीतिक और नागरिक संस्थाओं के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मौजूद थे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने इसी महीने की शुरुआत में दंगे से बुरी तरह प्रभावित हुए इलाकों में एक चुरा चांदपुर का दौरा किया। इस बीच इम्फाल में कर्फ्यू में ढील के दौरान लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते नजर आए। मणिपुर हिंसा पर चिंता जताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को मणिपुर हिंसा से राज्य में पैदा हुई स्थिति को लेकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड या सेवारत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच आयोग का गठन की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि मणिपुर में 3 मई से हिंसा हो रही है और बीजेपी को इसकी कोई परवाह नहीं है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद को कांग्रेस आलाकमान ने सुलझाने का दावा किया है। दोनों नेताओं के साथ को साथ लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि राजस्थान में पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। वेणुगोपाल ने कहा कि दोनों नेता कांग्रेस आलाकमान के प्रस्ताव से सहमत हैं, लेकिन उन्होंने इस सस्पेंस से पर्दा नहीं उठाया कि सुलह का फॉर्मूला क्या हुआ है। दोनों नेताओं के बीच सुलह की बात के बाद अशोक गहलोत का बड़ा बयान भी सामने आया। गहलोत का कहना है कि पायलट और हम मिलकर लगातार काम करते रहेंगे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पीड़ित के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग करते हुए कहा कि परिवार के लिए यह दुख की घड़ी है। मालीवाल ने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे पहले बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी पीड़ित लड़की के घर पहुंचे, परिवार से मुलाकात की, 1 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान भी किया। दिल्ली सरकार ने भी पीड़ित के परिवारों के मदद का ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने परिवार को 10 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे हुए आरोप काफी गंभीर हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला कथित शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई के केस में सुनाया। मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका को खारिज करते हुए सबूतों पर चिंता जाहिर की। अदालत ने कहा कि मनीष सिसोदिया का इस मामले में व्यवहार ठीक नहीं है, वो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। अब सिसोदिया हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। जम्मू में कटरा से करीब 15 किलोमीटर दूर झज्जर कोटली के पास आज सुबह एक बस पुल से नीचे गिर गई। इसमें 10 लोगों की दुखद मौत हो गई, 55 लोग जख्मी भी हुए हैं। मौके पर स्थानीय लोग सीआरपीएफ और एसडीआरएफ ने लोगों को रेस्क्यू किया। यह बस अमृतसर से वैष्णो देवी जा रही थी। इसमें 75 यात्री सवार थे, सभी बिहार के रहने वाले थे। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा ने बताया इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, अन्य लोगों को हल्की चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को जीएमसी जम्मू में भर्ती कराया गया है, बाकी घायलों का स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। अनंतनाग जिले में आतंकियों ने एक गैर कश्मीरी युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान उधमपुर के रहने वाले दीपू के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक दीपू सर्कस कंपनी में काम करता था। वो किसी काम से सर्कस से बाहर निकला था, तभी आतंकियों ने उस पर हमला कर दिया।
आपको बताएं कि आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने पोस्टर जारी कर युवक की हत्या की जिम्मेदारी ली है। महाराष्ट्र के किसानों के लिए शिंदे सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने नमो किसान महासम्मान निधि योजना को मंजूरी दे दी है। अब इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार किसानों को एक साल में 6,000 रुपए देगी। केंद्र सरकार पहले ही किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती आई है, यानी अब महाराष्ट्र में किसानों को सालाना 12,000 रुपए की सहायता मिलेगी। इसके अलावा किसानों को 1 रुपए में फसल बीमा का लाभ लेने से संबंधित प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बेंगलुरु के कई हिस्सों में आज तेज बारिश हुई। आईएमडी ने बेंगलुरु के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए आसपास के इलाकों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जाहिर की। आईएमडी के अधिकारियों ने यह भी अनुमान लगाया कि बेंगलुरु के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। मौसम विभाग ने लोगों को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण खराब मौसम और बिजली गुल होने को लेकर अलर्ट किया है। दिल्ली एनसीआर में आज मौसम ने फिर करवट ली है। सुबह से तेज धूप देखने को मिली, लेकिन शाम होते होते सोमवार की तरह मौसम ने करवट ले ली। शाम को दिल्ली एनसीआर में कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी देखने को मिली। मौसम विभाग ने हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश का अनुमान दिया था। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले 2 दिन भी मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जाहिर किया है। साथ ही कहा गया है कि 4 जून तक दिल्ली में लू की स्थिति लौटने की संभावना भी नहीं है।